हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आहूजा आज आपके सामने कल के टॉप 10 करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। आज देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पीएम मोदी जी का लाल किले से देश के नाम होगा संबोधन। पीएम मोदी ने किया ऐलान, अब से 14 अगस्त होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन। कोरोना, कृषि, नए संसद भवन, जम्मू कश्मीर सहित कई मुद्दों पर जिक्र किया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल कृष्ण आडवाणी का संदेश, कहा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में हो सभी की भागीदारी। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चाय पर की भारतीय ओलंपिक दल की मेजबानी, कहा देश को आप पर गर्व है। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर रहा, जबकि भारत सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। देश ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी राबो बैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी राबो बैंक यूए पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादकों के बाजार के लिए सोन चिरैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादकों के बाजार के लिए सोन चिरैया नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मदद करेगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्लीन सिटी ऐप। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है। इस सुविधा का लाभ सिविल लाइंस जोन, केशवपुरम जोन और रोहिणी जोन के निवासी ले सकते हैं। हाल ही में किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की है। इस नीति को स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में भी करार दिया गया है। यह नीति गतिशीलता में आधुनिकता की यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी। निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? 152। देश के 152 पुलिस अधिकारियों को देश में अपराध की जांच के अपने उच्च पेशेवर मानकों के लिए जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इन पदक से सम्मानित किए जाने वाले की सूची में 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक
भारत की पुरानी बीमारी के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है। कैलिफोर्निया, भारत और कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समृद्ध जीवन शैली उन्हें मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।